हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप लोग मोटेरा स्टेडियम के बारे में जान रहे होंगे और ये आज कल बहुत चर्चा में है, पिछले दो दिन से बहुत चर्चा में है। आखिर ये चर्चा में क्यों है, इस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले इस स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम था और अब इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। इसी स्टेडियम को लेकर के विभिन्न प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं, विभिन्न राजनीतिक गलियारों में इस पर चर्चा हो रही है कि आखिर क्यों सरदार पटेल स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। क्या सरदार पटेल से भी बड़ी कोई ऐसी मतलब हस्ती कहेंगे नरेंद्र मोदी हैं कि जो उनका नाम उनकी जगह पर रख दिया गया है। इस सब चीज़ों पर आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि इसमें मैं पूरी कहानी बताऊंगा आपको कि आखिर क्यों इसका नाम बदल दिया गया और आखिर इसका नाम बदल दिया तो उसमें क्या ऐसी चीज़ है जो उसके नाम को प्रभावित नहीं करेगी। इस सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मोटेरा स्टेडियम से नरेंद्र मोदी स्टेडियम कैसे बना। जी हाँ दोस्तों, मोटेरा स्टेडियम जैसा कि आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा और करेंट में इस समय चल रहा है कि विश्व के एकमात्र ऐसा क्रिकेट स्टेडियम जिसमें 1,10,000 से भी ज़्यादा लोग एक साथ मैच देख सकते हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है और आधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेडियम है। हम लोग समझें कि जो मोटेरा स्टेडियम था वो मोटेरा नामक स्थान पर था और इसको 2016 में तोड़ करके एक बड़ा स्टेडियम बनाने का प्रावधान किया गया जिसको गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से डेवलप किया गया और इसके साथ मोटेरा स्टेडियम विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम के रूप में बन जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे, जो नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम रखा गया था। इस नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप अपने परिवार के साथ आए हुए थे और सबसे बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसी के बाद इस स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम रख दिया गया और अब इस स्टेडियम जो देख रहे हैं इतना बड़ा स्टेडियम है, भारत में इससे बड़ा कोई स्टेडियम अभी हाल में है नहीं। इसमें बैठने की सुविधाओं के साथ साथ कुछ ऐसी भी खास विशेषताएं हैं, जैसे बारिश होने पर यहाँ पर पानी नहीं आएगा, उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की ऐसी भी स्थितियाँ हैं कि यहाँ पर मैच आप विभिन्न परिस्थितियों में देख सकते हैं। आप भीड़ देख रहे होंगे, अभी हाल में कोरोना चल रहा है जिससे भीड़ की संख्या बहुत कम है, लेकिन जब आप पूरी रूप से जो स्टेडियम खुलेंगे पूरी दर्शकों की संख्या पहुंचेगी तो इसमें लगभग 1,10,000 से ज़्यादा लोग पहुंचेंगे और इस प्रकार की भीड़ क्रिकेट में देखने को भारत में ही मिल सकती है क्योंकि भारत क्रिकेट का एक हब बन चुका है। क्रिकेट भारत का एक राष्ट्रीय खेल तो नहीं है लेकिन खेल सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है भारत में वो क्रिकेट ही है। इस पर हमारे 23 तारीख को राष्ट्रपति जी माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने मिलकर के इसका भूमि पूजन किया और इस भूमि पूजन में जो सबसे बड़ी चीज़ ऐड की गई वो ये था कि जब ये मोटेरा स्टेडियम था इसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम रखा, अब इसका नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो सिर्फ क्रिकेट के स्टेडियम को कहेंगे और बाकी जो इसका पूरा इनक्लेव बनेगा, स्पोर्ट के और भी खेल होंगे उस सब को मिलाकर के जो इनक्लेव बनेगा उसका नाम सरदार पटेल इनक्लेव ही रहेगा। मतलब जो स्टेडियम है क्रिकेट का उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा जाएगा और बाकी जो 66 एकड़ से ज़्यादा में बना हुआ है उसका पूरा नाम सरदार पटेल इनक्लेव रहेगा। इस पर कुछ राजनीति भी हो रही है और लोग सोच रहे हैं कि सीटिंग प्राइम मिनिस्टर के नाम पर एक ऐसी चीज़ का नाम रखना उचित नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो भूमि पूजन हुआ है वैसे तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन यदि आप इतिहास उठा के देखेंगे और समझेंगे तो पूर्व में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं जो हम लोगों को इसके बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। इसका भूमि पूजन होने के साथ अब स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा और उसके बाद सरदार पटेल इनक्लेव पूरा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा। नरेंद्र मोदी के नाम से स्टेडियम होना
एक राजनीतिक मुद्दा हो गया है। लोग ये कह रहे हैं कि आखिर क्यों इस स्पोर्ट इनक्लेव का नाम नरेंद्र मोदी के नाम से क्यों जोड़ दिया गया इसके साथ साथ। तो मैं बता दूं कि राजनीति में ऐसा होता रहता है और ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं, चाहे हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री रहे हों और वर्तमान प्रधानमंत्री रहने के साथ साथ और भी ऐसे लोग हैं जिनके नाम पर राजनीति में नाम होते रहे हैं, नाम उनके जगह पर किसी एयरपोर्ट के नाम पर, कहीं किसी पुरस्कार के नाम पर, कहीं कोई पुरस्कार देने के नाम पर राजनीति होती रही है। जो स्टेडियम बन रहा है वो स्टेडियम तो नरेंद्र मोदी के नाम से हो ही गया, लेकिन और भी ऐसी चीज़ है जिसको मैं बताऊंगा आपको कि ये स्टेडियम में बनने का नाम तर्कसंगत है कि नहीं है। एक ऐसा पॉइंट हम लोग देखेंगे इतिहास में जो हमारे देश आज़ाद होने के बाद हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। इनको भी इनके कार्यकाल के दौरान भारत रत्न जैसा देश का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया। ये भी एक प्रकार से माना जाए तो तर्कसंगत नहीं था, लेकिन विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को देखते हुए, इनके कार्य को देखते हुए इनको भारत रत्न दिया गया। इसके बाद हम यदि देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। इनको भी इनके कार्यकाल के दौरान भारत रत्न जैसा राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया। ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो तर्कसंगत नहीं था, लेकिन इनके कार्यों को देखते हुए इनको पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे राजीव गांधी जी को, इनका भी जो कार्यकाल रहा है बहुत खास कार्य नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी इनका अपनी राजनीति में कुछ विशेष महत्व रहा है और इनको भी भारत रत्न जैसा पुरस्कार दिया गया है। तो हम लोग यहाँ इस चीज़ को देखने वाले हैं कि जैसे जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न दिया गया, इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न दिया गया, लेकिन इस पर जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चर्चा की बात यह है कि ये जो रत्न पुरस्कार हैं, विभिन्न प्रकार के हवाई अड्डे हैं, इन सब के नाम देश के प्रधानमंत्रियों और नेताओं के नाम पर रखे जाते हैं। मैं आप लोगों से बस यही बात कहूँगा कि यदि यही जो नाम हैं, हवाई अड्डे हों चाहे विभिन्न प्रकार के पुरस्कार हों, यदि देश के महापुरुषों के नाम जैसे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और महारानी लक्ष्मीबाई, क्रिकेट में जैसे हमारे खिलाड़ी बहुत सारे हुए हैं उनके नाम पर भी विभिन्न चीज़ों की घोषणा की जा सकती है, और यहाँ तक कि तो इस स्टेडियम का नाम क्रिकेट के किसी इस महान खिलाड़ी या देश की किसी महान हस्ती के नाम पर ही होना चाहिए था। तो यही सब चीज़ें हैं कि जैसे पद पर रहते हुए विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रावधान हो जाते हैं जो देश के लोगों के लिए सोचने का एक जरिया बन जाता है, सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर क्यों ये लोग अपने पद पर रहते हुए इस प्रकार की चीज़ों को अपने नाम करते हैं। एक प्रकार से सही नहीं है। यदि कोई सीटिंग प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसा आप एक घटना और देखेंगे, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने भी अंबेडकर पार्क में अपनी खुद की मूर्ति लगवाई हुई है, तो ये एक प्रकार से तर्कसंगत नहीं है, लेकिन अब इसका चलन हो गया है। लोग पद पर रहते हुए ही चाहते हैं कि हम विभिन्न प्रकार की चीज़ें अर्जित कर लें, समय रहते यदि इस चीज़ का नहीं कर पाए तो आगे जाके हो सकता है कुछ ना प्राप्त हो। और इसमें दूसरी चीज़ एक ऐसी है, जैसे नरेंद्र मोदी, जैसा कि आप जानते हैं, 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं, उस समय हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं उस समय हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे। तो दो बार भारत की प्रधानमंत्री बनना अपने आप में एक गौरव है। नरेंद्र मोदी भी भारत ही नहीं विश्व के नेता हैं, उन अच्छा कार्य करते हैं, समाज के लिए बहुत से कार्य किए हैं और कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तक इस चीज़ को यदि हम लोग समझें कि उनके नाम पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं या विभिन्न प्रकार के स्थानों का नाम करना हमारे हिसाब से तर्कसंगत नहीं लगता है। समाज में लोगों के बीच जो मोदी जी के प्रति प्यार है वो जाहिर सी बात है कि कम होगा, क्योंकि लोग जब देखेंगे कि सिर्फ अपने ही नाम को, अपने पार्टी या समाज के लोगों के नाम पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो लोग किसी भी पार्टी से जुड़ने से पहले इस चीज़ को समझते हैं कि आखिर यहाँ पर भी जो पूर्व में हमने घटनाएं देखी हैं वही दोहराई जा रही हैं, जो एक प्रकार से सही नहीं है। क्योंकि मोदी जी एक
स्पष्ट और हम कहें कि ऐसी छवि के नेता हैं जो किसी कार्य को पूरी सादगी के साथ और पूरी सावधानी के साथ करते हैं कि किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। लेकिन इस समय जो चर्चा है वो ठीक नहीं है। सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान कम दे करके समाज के और भी महापुरुष हुए हैं उनका नाम ऐड करना चाहिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देश के महापुरुषों को याद रख सकें, उनके बारे में विभिन्न प्रकार की चीज़ें इतिहास में किताबों में लोग पढ़ें, समझें और जानें। यही था आज का हमारा वीडियो। बहुत लोगों की मांग थी, चर्चा में था, इसलिए हम इस वीडियो को लेकर के आए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो में हमने जो आपको बातें बताई वो आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। हमारा प्रयास रहेगा कि आप लोगों के लिए ऐसे ही करंट इशू पर वीडियो लेकर आते रहें। और इसके साथ साथ आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही करंट अपडेट और विभिन्न प्रकार की बातों को लेकर के हम अपने वीडियो में आते रहेंगे। धन्यवाद।